का आज के क्वेश्चन क्लासेस पे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट का एक डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन का नाम है गॉस के नियम के अनुप्रयोग से समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन। आज हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पर बोला गया है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों, जो डेरिवेशन में कहेगा वही हमें करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच हमें वैद्युत क्षेत्र की निकालनी है, बीच निकालना है, बाहर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दो प्रकार की आवेशित प्लेटें लेंगे, एक पर होगा धन आवेश और दूसरे पर होगा ऋण आवेश। और यहाँ पर लेनी कैसी है, अचालक प्लेट लेनी है। चलिए लेते हैं यहाँ पर, तो हमने मान लिया कि एक ये प्लेट है जिस पर ऋण आवेश है, ठीक है, इस पर कैसा है, ऋण आवेश है। इसके बाद हमने एक दूसरी प्लेट ले ली और दूसरी प्लेट पे हमने धन आवेश दे दिया, क्योंकि हमें दो प्रकार की आवेशित प्लेटें लेनी थी ना, तो एक पर हमने धन आवेश दे दिया और दूसरे पर हमने ऋण आवेश दे दिया। अब यहाँ पर बोला गया समान पृष्ठ घनत्व, इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा दोनों का समान होगा, यदि इसका सिग्मा होगा तो इसका भी सिग्मा हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, चाहे इसका हो या इसका हो, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद बोला गया है इसके बीच में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तुमने मान लिया कि एक बिंदु प्लेटों के बीच में है और एक बिंदु प्लेटों के बाहर बिंदु पर है। अब इन्हीं बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब दोनों प्लेटों के बीच पर एक हमने बिंदु ले लिया और दोनों प्लेटों से दूर हमने एक, या बोल सकते बाहर एक बिंदु ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई, और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इतनी बात समझ में आई, जैसा जैसा डेरिवेशन ने बोला वैसे वैसा हमने फिगर बना लिया। इतना हो गया। अब हमने मान लिया इसको प्लेट फर्स्ट, मान लिया कि ये जो प्लेट है वो फर्स्ट है और ये जो प्लेट है वो सेकंड है, प्लेट सेकंड, ठीक है, इतना काम हो गया। तो चलिए थ्योरी लिखते हैं। माना दो विपरीत आवेश से आवेशित अचालक प्लेटें हैं और जो प्लेटें होंगी वो प्लेट वन और प्लेट टू हो जाएंगी, जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, चाहे वो प्लेट वन का हो और चाहे वो प्लेट टू का हो, दोनों का सिग्मा होगा, जिनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ निकालनी है, अंदर निकालनी है और बाहर निकालनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर अंदर व बाहर ज्ञात करनी। थ्योरी बिल्कुल इजी होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा हमने फिगर में देखा वैसे हमने थ्योरी लिख दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, माना दो विपरीत आवेश से आवेशित अचालक प्लेटें हैं जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर व बाहर ज्ञात करनी है। इतनी बात मान ली। अब इसके बाद हमने जो दोनों प्लेटों के अंदर एक बिंदु है, इस बिंदु को रख देते हैं नाम पी। अब यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब उससे हम निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम बाहर बिंदु पर जो एक बिंदु है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं जब बिंदु पी दोनों प्लेटों के मध्य स्थित होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर पहली कंडीशन, जब
बिंदु पी प्लेटों के मध्य स्थित। ठीक है, हमने बिंदु पी मान लिया दोनों प्लेटों के मध्य। अब हम निकालेंगे धनावेशीकरण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋणावेशीकरण उत्पन्न बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए पहले निकालते हैं धनावेशीकरण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं धन प्लेट के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। हमने बताया था चाहे वो अचालक चादर हो वो चाहे वो अचालक प्लेट हो, दोनों एक ही प्रकार से कार्य करती हैं। तो इसलिए हमने E1 बराबर यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ले लिया। अब इसके बाद दिशा की बात करें, इसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा के लिए समझिए हमने कहा था दिशा ज्ञात करने के लिए जिस बिंदु पर आपको दिशा ज्ञात करनी हो उस बिंदु पर एक धनावेश आप रख दें। तो हमें इस बिंदु पर निकालना है, तो हम इस बिंदु पर रख देंगे प्लस क्यू आवेश। अब देखिए कि जो प्लेटें होंगी वो आवेश को आकर्षित करेंगी प्रतिकर्षित करेंगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर यदि धन प्लेट की बात करें तो धन प्लेट क्या करेगा, इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब होता है कि ये जो प्लेट धनावेशित प्लेट होगी इस आवेश को दूर हटाएगी और किस दिशा में हटाएगी, इस दिशा में हटाएगी। कितनी बात समझ में आ गई, किस दिशा में, इस दिशा में हटाएगी। क्यों, क्योंकि समान आवेशों पर हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि जो E1 की डायरेक्शन होगी वो इस दिशा की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने प्लस की आवेश कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तो मानी थी E1 वो इस दिशा की हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरी प्लेट की बात करें, प्लेट 2 की पर, तो धन आवेश और ऋण आवेश ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो धन आवेश होगा ये ऋण आवेश इस धन आवेश को आकर्षित करेगा और किस दिशा में आकर्षित करेगा, तो इस दिशा में आकर्षित करेगा ना, जब इसी दिशा में आकर्षित करेगा इसी की ओर इसकी दिशा हो जाएगी, क्या E2 इसी दिशा की ओर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो E1 की दिशा होगी वो किस प्लेट से किस प्लेट की ओर होगी, धन से ऋण की ओर। ये बगल में सो करा देंगे सही रहेगा, धन से ऋण प्लेट की ओर। ठीक है, तो चलिए अब यहां लिख देते हैं हम ऋण प्लेट के कारण, ऋण प्लेट के कारण कर बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और दिशा की बात करें, दिशा आप जानते हैं धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, E2 में भी यही होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर धन से ऋण प्लेट की ओर। अब हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप देखेंगे E1 व E2 सदिश राशियां हैं तथा दोनों की दिशाएं एक ही ओर हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक ही दिशा में है तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और वही हो जाएगा हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेक्टर E बराबर
ई1 प्लस ई2। ई1 की वैल्यू आप जानते ही हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, प्लस ई2 वैल्यू भी यही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने में क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है दो विपरीत प्रकार से आवेशित प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो ये हो गया, एग्जाम में भी ये डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे दोनों प्लेटों से बाहर जो एक बिंदु है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चलिए निकालते हैं। अब बिंदु पी प्लेटों के मध्य न होकर प्लेटों के बाहर निकल जाता है। ठीक है, दोनों प्लेटों से बाहर, अब बिंदु पी बाहर चला गया, तुमने मान लिया कि जो बिंदु है इसको हमने बिंदु पी मान लिया। ठीक है, अभी क्या था इसके पहले कंडीशन पे, दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली। अब हमें दोनों प्लेटों से बाहर एक बिंदु हमने पी ले लिया, अब यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिख देंगे, जब बिंदु पी प्लेटों के बाहर स्थित हो। चलिए इतना हो गया। अब हमें जैसे हमने पहले किया था कि पहले धन प्लेट के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी थी, उसके बाद हमने ऋण प्लेट के कारण उत्पन्न बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की थी, सेम वैसे हम करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम धन प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर बिंदु पी कर लीजिए, बिंदु पी धन प्लेट के कारण उत्पन्न बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 बराबर फॉर्मूला आपका ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसके बाद बात पहुंच जाती है डायरेक्शन सर, क्या होगी डायरेक्शन के लिए, पूरा सिस्टम पुराना ही, यहां पर हमें धनावेश रख देंगे। ठीक है, प्लेट 1 के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी उसको हम कह देंगे E1, और जो प्लेट 2 कर होगी उसको हमने कह दिया E2। अब डायरेक्शन की बात किया, डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने धनावेश रख दिया, तो क्या होगा कि ये जो प्लेट धनावेशित प्लेट होगी इस आवेश को प्रत्यर्षित करेगी, प्रत्यर्षित का मतलब होता है ये दूर हटाएगी, तो E1 की जो डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है, इस दिशा की ओर हो जाएगी, ये तो होगा E1 के लिए। अब E2 के लिए बात करें तो E2 क्या करेगा, इस धनावेश को आकर्षित करेगा, मतलब ये धनावेश इधर की ओर आएगा, और जब जिस दिशा पे गति करता है उसी दिशा पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो E2 दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं, E1 की दिशा पे और E2 की इससे अपोजिट। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो दोनों का परिणामी होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, और डायरेक्शन यहाँ लिख देते हैं, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ऋण प्लेट के कारण उत्पन्न बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, तो E2 बराबर फॉर्मूला ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दिशा की बात करें, दिशा आप जानते हैं ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर की, ठीक है। अब हमें बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तो निकालनी है, तो यहाँ लिख देंगे कि E1 व E2 सदिश राशियाँ हैं और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, इसलिए बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 सदिश राशियाँ हैं
एवं दोनों की दिशाएं, दोनों की दिशाएं विपरीत है, विपरीत है, इसलिए बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को हम घटा देंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो E1 की वैल्यू हमने निकाला था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और माइनस E2 के लिए भी हमने निकाला था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस का और ये माइनस का पूरा करके आ गया जीरो। तो हमें क्या समझ में आया कि प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो तो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन प्लेटों के बाहर देखें तो प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जीरो होती है। समझ में आया कि नहीं आया, डेरिवेशन बहुत ईजी था, आप इसका एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरी थ्योरी और पूरा कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन तो बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, थ्योरी में आपको फोकस करना है, अब वो आप कर लेंगे। इस वीडियो में इतना रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले याद रखिए यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।